ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ MPS ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल MPS चड्डा वालों तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित कीर्तन दरबार समागम सैनिक विहार गुरुद्वारा सिंह सभा विखे आयोजित किए गए जिस विच पंथ प्रसिद्ध रागी जथिया ने कीर्तन राही संगतां नूं निहाल कीता धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन राणा परमजीत सिंह दिल्ली कमेटी के सीनियर मीत प्रधान MPS चड्डा ने शमूलियत की थी। इस मौके गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सुमाटी चड्डा ने मनजीत सिंह जी के अते राणा परमजीत सिंह का धन्यवाद किया। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ MPS ਚੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ और मुबारक है तुहानू इस कलोनी दे सारे वसनीकां नू और जिन्होंने भी अपने अपने किरत कमाई चो दसवंत इस अस्थान लई दिता है कि तुसी बहुत सुंदर अस्थान बनाया है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिसनू सेवा तुहाडे आशीर्वाद नाल मिली है मैं समझदा कि पिछले 3.5 सालां च वो भावें गुरुद्वारे की जगह जमीन की गल हो मनु इस गल का माण है कि मैं उस परिवार च जमया जिस परिवार ने दिल्ली की सेवा बहुत की मेरे पिता जथेदार संतोख सिंह ने गल्लां करनियां बड़िया सौखियां ने 52 साल की उम्र च उन्होंने गोली मार दी जाती है कादे लई कुतवाली लैके देती सी गुरुद्वारे की अगली सड़क बंद कर दी सी गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल बना दिते सीगे माता सुंदरी कॉलेज जिहदा अगले साल 50वां साल कंप्लीट होना है यूनिवर्सिटी च खालसा कॉलेज गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज फॉर कॉमर्स हॉस्पिटल
लेकिन मिलिया की अखीर च गोली। खालसा जी मनु कितना कितने अफसोस हो रहा से वाद विवाद कर रहे थे, ये जगह नहीं जी, इतने धर्म की गल हो। और जिस दिन तुहाडी बख्शिश नाल सेवा मिली ना, असी फैसला किया जिन्हां स्टेजां दे उत्तों दी सिखां दे कातलां नूं सरोपे दिते गए सीगे, असी किसे पोलीटिशियन नूं सरोपे नहीं देंगे। असी इलैक्शनां लड़दे हाँ और इलैक्शनां च साडे MLA भी जिते, कारपोरेटर भी जिते, लेकिन गुरुद्वारे दी स्टेजां ते ना बुलाया ना वोटां मंगियां ना मंगदे हाँ। इस स्टेज तो सिर्फ गुरु की गल होवे, बंगला साहब की कथा सुन लो, तुसी पहले की कथा देख लो, हुण की कथा देख लो। जे गुरु ने मौका दिता तो गुरु शब्द का प्रचार करिए, सियासत करदे गुरुद्वारे तो बाहर, और चंगी तरह करदे, और चंगी तरह सियासी दुश्मनों नू सबक भी देने, वो लिहाज नहीं रखते। लेकिन जो गल गुरु स्टेज तो करिए, गुरु की करिए। मन नहीं पता मेरे तो पहले की गल हुई है, लेकिन मैं जो समझ सकता वा, मैं बंदा सिंह बहादुर की शताब्दी मनाई है, अपने चो कि पता सीगा बंदा सिंह बहादुर कौन सी। अज साडी गल छड्डो, अज दूजे धर्मां दे लोग कहिंदे ने कमाल है, पहला बादशाह होया जिन्हें अपने पिंडे तो बभूती लगाई, दसम पिता का आशीर्वाद लिया, तो शस्त्र धारण किए, तो 900 साल पुराना मुगल राज खत्म करता। तो किन्नियां नूं पता सी लाल किले का इतिहास की है, 30,000 की है, मोरी गेट की है, अज दसन की लोड़ है। अज असी अपने पिता नूं नहीं मन्नांगे तो बाहरला क्यों मन्नेगा, असी अपने इतिहास नूं नहीं जाणांगे तो बाहरला क्यों जाणेगा। जिथे गुरु शब्द की प्रचार ते प्रसार जरूरी है, उत्थे अपने बच्चों अपने इतिहास नाल जोड़ना जरूरी है। दे जे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी काम कर रही है, साडे लई गुंबदा ते सोना लाना जरूरी नहीं है, साडे लई अपनी कौम नूं एजुकेट करना जरूरी है। मिनोरिटी कम्यूनिटी सिर्फ एजुकेशन के दम से सर्वाइव कर सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भावें साडी ओपोजिशन च ने, फकर हुंदा जदों पग वाला प्रधानमंत्री देखदे उन्हें कलम चुकी सी, बंदूक नहीं चुकी सी। कुछ लोग अज बच्चों के हाथ बंदूक फड़ाना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, कलम फड़ाओ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, निघे गोत गुरपति पात संगत जी, फतेह सांझ करो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। मैं कोई लैक्चर देने वास्ते नहीं खड़ा होया, पर मैं हुण जिन्नियां गल्लां मेरे तो पहले सेस कत्तर ने कही, मेरा जवाब देना फर्ज बनता, क्योंकि आप जी की बख्शी सेवा चो मैं सेवा संभाल रहा। जिहड़ा सरोपे की मैं गल कही है, ये जद भी किसी देना हो पहले दसिया जाए किस काम वास्ते दिता जा रहा, और किहड़े काम नूं संगत ने सलाह दिती है तां दिता जाए। क्योंकि मेरे बोलन तो पहला वह आप कह चुके हैं कि जिहड़ा आंदा प्रधान नूं सरोपा पा दिओ, कीर्तने सरोपा पा दिओ, अपनी गल ते आप अमल करन ते चंगा रहिंदा। दूजी गल, प्रथम है मन प्रबोधे अपना, पाछे रजावे। बड़ी देर तो मैं सुन रहा सी कि पंजाब बहुत नशा, आप सारे झाती मार लिए। मैं इतने स्पीच नहीं दे रहा, मैं अपने परिवार से गल करें, मेरिया मावं बैठिया सामने। अपने घर च विआह हुंदा, कॉकटेल का कार्ड कौन छपवा के दिंदा तुहानू? किन्नियां ने हुण तक आनंद कार्य दे विच कॉकटेल नहीं कीती, हाथ खड़े कर लो, एक हाथ। बाकी गुरु सामने बैठा, इतने लेखा देना, सब ने इतने लेखा देना, असी सारे ने। वो जिहड़ा नशा आप अपने घर आनंद कार्य ते वरताउने आ, वो कौन कहिंदा वरतान वास्ते तुहानू? भाई साहब गुरु के कीर्तनीए, पंथ के आगू के प्रचारक? जवाब नहीं किसी को। तीसरी गल, जब असी इत्थे आवाज मारदे आ, पीवो पौल खंडे तार होए जन्म सुहेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, फिर उस तो बाद साड़ी दाड़ी भी काली, साड़े कर्म भी काले, फिर असी उपदेश दे रहे हैं संगत नूं। मैं पूछना चाहुंना, गले च गातरा गुरु का पाया, सूरे तैयार होने आ, मेरी मावां अपने बच्चों नूं भेज दी स्कूल, भेज दे अपने आदमी नूं काम ते, ते आदमी सूरे की कहिंदा तुहानू? मेरे कपड़े लिया, मेरी दस्तार लिया, मेरा फलानी चीज लिया। कभी आवाज मारी है कि मेरा गातरा नहीं लभ रहा, मेरा कंगा नहीं लभ रहा, मेरे गुरु दिते पांच ककार नहीं लभ रहे, मेरा नितनेम नहीं हो रहा अज पूरा? किन्नी आवाज मारी है,
किन्ना अमृत विला संभालिया, फिर नशा वड़े कितों तुहाडे घर च, अपने भाणे जो चलिया विचर चोटा खावे, उन्हें अपने भाणे चलना तो उन्हें आप चोटा खानिया। उसका जिम्मेवार कोई आगू नहीं, कोई प्रचारक नहीं, कोई कीर्तनिया नहीं। जे तक किसी आगू ने तुहाडे हाथ नशा फड़ाया दसो मैनू। अज दिल्ली दे विच जनानिया वास्ते औरतों वास्ते वखरा शराब का ठेका खोलिया गया, जमुना पार जाके वेख लो, उसके बारे भी नहीं आवाज निकलती सिखां कोल। हुणे गूगल ते मारियो सर्च कि दिल्ली के लागे दुआले किन्ने किसान मरे ते पंजाब च किन्ने मरे। हर गल पंजाब तुरै, अपना अपने घर नूं बदनाम करना बंद कर दिओ। जे तुहाडा बच्चा ड्रग एडिट होवे ना, तुहाडा बच्चा नशे च हो ते पर्दे पाने हो सारे। ये माँ है पंजाब, ये पेका है। जे तुसी सहुरे घर गए हो ना, तुसी तां सारियां जाणदे हो इस गल चंगी तरह, तुसी तां हंडाया अपने पिंडे ते। ते जे पेका कमजोर होवे तां सहुरे ताने मार मार के मार दिंदे आ। ते जे अज पंजाब नूं इस तरीके बदनाम करन ते आपां तुर पए आ ना, ते दिल्ली तो बाहर कितने ये ना सोचो कि तुहानू इज्जत मान मिल जाऊ। आ दो दिन पहले एक बार बड़ा वट्सअप से चलिया, ये कि पंजाब की धरती से है, रजौरी गार्डन जिहड़ा जरनैल सिंह MLA आम पार्टी का। मैं कभी सियासी लैक्चर नहीं किया पर मैं मजबूर किया स्टेज सकत्तर ने बोलने वास्ते। अज असी गुरद्वारा सैनिक विहार के विचकार हैं, इत्थे कीर्तन दरबार होया है और गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। मैं इतों की मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना हाँ। मैं उम्मीद रखता हाँ कि इस किस्म के प्रोग्राम हर गुरुद्वारा साहब होते रहेंगे और असी गुरु के अगे नतमस्तक होवांगे। असी गुरु नु गुरु मन के, दिविंग गुरु मन के इकट्ठे हुए हैं और उम्मीद रखते हैं कि यह प्रकाश उत्सव हर गली हर मोहल्ले च मनाया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। अज असी गुरुद्वारा साहब संगत सैनिक विहार की पहली वरेगंढ ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, जिस विच संगतां ने हुम हुमा के दर्शन दिते ने। मैं उचेचे तौर पर सरदार मनजीत सिंह जी के, परमजीत सिंह राणा ते MPS चड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने संगतां नूं इत्थे आके दर्शन दे के निहाल किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। दोस्तों, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धर्म प्रचार की लड़ी नूं अगे तोड़दे हुए कई उपराले किए जा रहे हैं, जिस तहत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के धर्म प्रचार के चेयरमैन सरदार परमजीत सिंह राणा ने अपने इलाके बलजीत नगर तो श्रद्धालुओं नूं बस राही रीठा साहिब अते होर कई धार्मिक स्थानों दी यात्रा करवाउण दा उपराला कीता। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन राणा परमजीत सिंह ने अपने इलाके बलजीत नगर तो श्रद्धालुओं नूं बस राही रीठा साहिब अते होर कई धार्मिक थावां लई रवाना कीता। इस मौके श्रद्धालुओं ने इस उपराले लई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के का विशेष धन्यवाद कीता। यात्रा गुरद्वारा रीठा साहब अते नानक मता साहब दी जी के प्रधान गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी रकाबगंज साहब तो उन्हां दे उपराले नाल अते साडे इलाके तो इलैक्टेड धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन परमजीत सिंह राणा ये उन्हां दे सहयोग नाल ही ये यात्रा चल रही है। जो इन्होंने यात्रा ये करवाई है धर्म प्रचार कमेटी के जिहड़े चेयरमैन उन्होंने चुन के रखे हैं, बहुत ही अच्छे सोहने सुचजे ढंग दे नाल ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इस तो पहले जिन्नियां भी कमेटियां आईयां हन पर लेकिन धर्म प्रचार के इन्ना जिन्ना सहयोग धर्म प्रचार का इस कमेटी ने जी के प्रधान जी और परमजीत सिंह राणा जो साडे धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन है, इन्होंने अपना जो इन्होंने वायदा किया सी धर्म प्रचार सिखी का प्रचार गुरद्वारा
साहब के प्रचार करने वास्ते जो इन्होंने मेहनत की है सिट्टे वजो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अज धर्म प्रचार कमेटी वास्ते पूरा पूरा सहयोग संगत इन्होंने नाल। अज असी धन्यवाद करते हैं सरदार मनजीत सिंह जी के का कि जिन्होंने दिल्ली के हर इलाके संगतों को गुरुधामों के दर्शनों वास्ते बसा दित्तियां, चाहे वह लोकल गुरुद्वारे हो चाहे दिल्ली तो बाहर हो। और अज बलजीत नगर की संगत सरदार मनजीत सिंह जी के का धन्यवाद करती है। अजय गुरुद्वारा रीठा साहब गुरुद्वारा नानक भट्टा साहब दर्शनों लिए जा रही है। अरदास कर रहे सच्चे पातशाह अंग संघ सहाई होकर खुले दर्शन दारे बख्शन और जिहड़ी जिहड़ी मनोकामना लैके संगत जा रही है मारे संपूर्ण करे। इस बस का जथेदार सरदार महिंद्र सिंह जी खालसा जिहड़े सारिआं दा ध्यान रखणगे, बहुत ही सुचज्जे ढंग नाल काम संभालणगे। रोजी भैन जी सारे जसबीर वीर जी सारिआं नूं मैं धन्नवाद करदा कि तुसीं इह उपराला कीता और अगों बेनती करदा कि सारी संगत दा वी ध्यान वी रखणा क्योंकि अपनी जिम्मेवारी बनती है। मैं एक बार फिर दिल्ली गुरमंडी दे प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के दा ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਫਤਿਹਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। दिल्ली के गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल फतेहनगर विखे बाबा बंदा सिंह बहादुर एक्टिविटी ब्लॉक का उद्घाटन समारोह करवाया गया। इस मौके समारोह की शुरुआत शब्द कीर्तन नाल की गई। स्कूल के चेयरमैन गुरबख्श सिंह मोंटू शाह ने आए हुए मेहमाना का स्वागत किया। इस मौके बच्चिया ने वक वक वनगिया की पेशकारी की। इस तो इलावा गतकी अते तबला मुकाबले भी करवाए गए। हाजर पतवंतिया ने स्कूल दी प्रबंधक कमेटी दा विशेष धन्यवाद किया।
पी एच फतेहनगर विच पंथ दे महान जरनैल ते सिख राज दी पहले स्थापना करन वाले जड़े रूलर होए ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे नाम दे उत्ते ए एक्टिविटी ब्लॉक बनाया गया है जिदे विच बच्चियां नू जिथे टेनिस नाल होर गेमां नाल और फिजिकल फिटनेस नाल जोड़िया जाएगा। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जद दी इह सेवा दसरियां दी झोली च आई है, जद इह स्कूल सानू अज तो 3.5 साल पहले मिलिया सी ये बिल्कुल खंडर सी और इहदे अंदर सिर्फ 500 बच्चे दी स्ट्रेंथ सी और बड़े ही माड़े हालातों च ये स्कूल सानू मिलिया सी और पूरा स्टाफ जिन्हां नू 6-6 महीने 8-8 महीने तनखाह नहीं मिलती सी और सड़कां दे उत्ते तनखाह लई मुजाहरा करदे सन। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की दसरियां दी जद दी झोली सेवा आई, साढ़े प्रधान साहब सरदार मनजीत सिंह जीके ने सरदार गुरबख्श सिंह मोंटू शाह नू इस स्कूल का चेयरमैन बनाया और उन्हां हालातों के अंदर यह स्कूल सी जिहदा मैं बयान नहीं कर सकता अज तो 25-30 साल पहले, क्योंकि दास इसी इलाके तो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर है। अज तो 30 साल पहले जब इस स्कूल के फाउंडर सरदार तरलोक सिंह जी इस इलाके तो मैंबर सन, तो जब नर्सरी की एडमिशन आती सी तो साढ़े इन्हों के घर साढ़े तलोस चाचा जी घर तलोक सिंह जी के घर संगत का एडमिशन कराने लिए ताता लगे आता सी और उस वक्त जी स्टैंड सी 2800। बड़े ही अफसोस नाल कहना पैंदा पिछली कमेटी जो इत्थे होंदी सी उन्हें शिक्षा का वो मीनार नीचा किया जिदे विच दिल्ली की संगत ने इस स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना बंद करता और स्ट्रेंथ रह गई सिर्फ 500। मोंटू शाह जी ने प्रधान साहब ने सेवा दी इस स्कूल की और मोंटू शाह जी ने बड़े ही साफ तरीके ने एको गल कहती कि मैं स्कूल की सेवा तद लवांगा कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और मैं सतसंगत जी मोंटू शाह जी इन्हों वधाई देना इन्हों की टीम कि जिन्होंने बड़े ही अच्छे प्रयासों राही इतने काम किया और इन्नी सोहनी बिल्डिंग है फतेहनगर की, मेरे हिसाब न 12 दे 12 स्कूलों में नंबर 1 बिल्डिंग साड़ी फतेहनगर की है। और दास इस इलाके तो दिल्ली सिख गुरद्वारा कमेटी का सेवादार होने नाते मैं मंटू शाह जी ने कभी इंटरफेयर नहीं किया, जो इन्होंने किया जो कर रहे हैं वो बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं, असं कभी किंतु पिंतु नहीं किया। और मैं आस करना जो प्रधान साहब ने और सिरसा जी ने इन दे उत्ते विश्वास जताया सी उस विश्वास से 100 नहीं 1000% मंटू शाह जी खरे उतरे। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਨਗਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਮਾਂ ਮੋਟੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਟੀ ਪੂਰੀ ਸਮੂਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਲੌਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾਣ ਸਨੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢਣੀ ਪਈ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ गुरु महाराज आंदा है बहुत ही अच्छे उपराले नाल होया गा वे बिल्डिंग ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 50 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਾਹਨਾ ਜੋ ਬੜੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ
जनरल सैकटरी मनजिंदर सिंह सरसा जी को बधाई देवांगे अते उन्हां दी शलाघा करांगे कि जो उन्होंने इस कार्य नूं अगे लैके बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद नूं एक ताज़ा किया। मैं समझदा हां जो उन्हां दा बूटा लाया होया सी अज उस नूं गुरबख्श सिंह मोंटू शाह जी होनी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल च पानी देंदे हुए नज़र आ रहे ने और अपना जिहड़ा एक्टिविटी ब्लॉक का नाम बाबा बंदा सिंह ब्लॉक के नाम से रख्या गया। मैं कहना बहुत ही वड्डा काम होया बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद हमेशा लोगों के दिलों से जिहड़े इत्थे पढ़ते बच्चे ने उन्होंने हमेशा दिलों में रहे। अज जो साडे फादर ने स्कूल वास्ते किया ठीक है बहुत अच्छी गल तुसीं कीती है कि कितना प्राउड कर दो सानू अपने फादर का बड़ा प्राउड महसूस होंगे क्योंकि खास तौर पर 3.5 साल पहले साढ़े फादर स्कूल चाहे सी ते स्कूल के की हालात सी मैं ज़्यादा दसने की लोड़ नहीं शायद वैसे अंदर सारे ही पता है वैसे ही छड़ता तो पूरी दिल्ली में पता है कि जो पिछली कमेटी ने स्कूल छड़िया सी ओदे की हालात सी अज स्कूल की बिल्डिंग बन गई है कि कुछ स्कूल के अंदर एक्टिविटियां हो गई ने सारा चीज हर चीज किसी को पता है सानू ज़्यादा इस बारे दसवान की लोड़ नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दे विच जेड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर दा ब्लाक दा उद्घाटन किया उहदे विच साहिब गुरबख्श सिंह जी मोंटू शाह जी दी अंथक मेहनत है भाई जिन्हां ने रात दिन कम करके ये चीज़ कीती है ते सरदार मनजीत सिंह जी जीके साहब मनजिंदर सिंह जी सरसा का भी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ भाई जिन्होंने सानू जिस वेले भी जो पैसे की डिमांड की है वो दिता। अंत में साडे एजुकेशन के चेयरमैन सरदार हरमीत सिंह जी कालका उन्होंने भी साड़ी बड़ी हेल्प की है ते आए हुए सारे सज्जणा दा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। दोस्तों बीते दिन रमनदीप सिंह थापर नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जीके का सियासी मामलों का मुख्य सलाहकार थापिया गया। इस मौके दिल्ली कमेटी प्रधान सरदार मनजीत सिंह जीके ने रमनदीप सिंह नूं नियुक्ति पत्र सौंपिया। रमनदीप सिंह थापर नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जीके का सियासी मामलों का मुख्य सलाहकार थापिया गया। सीनियर अकाली आगू ओंकार सिंह थापर कमेटी के मीत प्रधान सतपाल सिंह ज्वाइंट सकत्र अमरजीत सिंह फतेहनगर साबका विधायक हरमीत सिंह कालका कमेटी मेंबर तनवंत सिंह परमजीत सिंह चंडोक रविंदर सिंह लवली हरदेव सिंह तनुआ समरदीप सिंह सनी दर्शन सिंह अते अकाली आगू विक्रम सिंह ते पुनप्रीत सिंह दी मौजूदगी विच जीके ने रमनदीप सिंह नूं नियुक्ति पत्र सौंप के अपने पिता दी तरह देश अते कौम दा नाम रोशन करन दा आशीष दिता। जीके ने कमेटी वल्लों कीते गए पंथक कारसां ते भी इस मौके रोशनी पाई। जीके ने कहा कि कमेटी ने श्री अकाल तख्त साहिब जी दी सर्वोच्चता 1984 दी कानूनी लड़ाई स्टाफ भलाई दे फैसले समेत कई कौमी अते पंथक मसलियां विच दिल्ली कमेटी वल्लों निभाई गई भूमिका नूं इतिहासिक करा दिता। खुशियां भरा समय मैं ते कहांगा इस वक्त कि दूसरी पीढ़ी थापर साहब दी ओ इस श्रोमणी अकाली दल विच शामिल हो रही है। सेवा ते ओ अपना सरदार रमनदीप सिंह थापर मैं छोटे होए तो देखता आ रहा कि वो साडे नाल मोढ़े ना मोढ़ा लगा के कोई भी एक्टिविटी पार्टी की होती सी ते साडे नाल वो काम करता सी। लेकिन हुण अज खास तौर पर साडे प्रधान साहब सरदार मनजीत सिंह जीके जी ने उन्हें बड़ी ही अहम जिम्मेवारी दी अपना लीगल एडवाइजर बनाया है और मैं पोलिटिकल लीगल एडवाइजर बनाया। मैं मुबारक देना हाँ थापर साहब नूं थापर साहब दियाँ पार्टी प्रति सेवावां नूं मुख रखते हुए प्रधान साहब ने खास तौर पर एक बहुत ही अहम जिम्मेवारी जो उन्होंने सपुत्र नूं दित्ती है और मैं आस करना हाँ कि जिस तरह थापर साहब ने पूरी जिंदगी अकाली दल की सेवा की उन्होंने नक्शे कदम से चलता है उन्होंने सपुत्र भी श्रोमणी अकाली दल ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल जुड़ के मैं समझदा कि उस विरासत जो बच्चा निकलिया थापड़ साहब को मैं 1968 तो देख रहा हाँ अकाली दल और समाजिक और धार्मिक कामों के रमनदीप सिंह उन्हों का होनहार बेटा है
उसनों दिल्ली सिख गुरद्वारा कमेटी ने एडवाइजर लगाया पोलिटिकल। मैं समझदा वा कि बच्चा जिहड़ा पिता पुरखी काम करता होया सेवा दे नाल लोकां दे दिलां च जगह भी बनाएगा और पार्टी वास्ते बहुत वड्डी एक मजबूत थम वाकण काम करे। मैं मनजीत सिंह जीके जी का धन्यवाद करता जिन्होंने मेरे उत्ते इन्ना विश्वास जताया। यह सारी यूथ की टीम देख रहे हो सारे अकाली दल की दिल खोल के नाल ने अकाली दल के अगों की अकाली दल तो होर मजबूत करांगे। तो मैं मनजीत सिंह जीके जी का धन्यवाद करना चाहता उन्होंने मेरे उत्ते इन्नी जिम्मेदारी निभाई है। दुनिया विच बच्चों का प्यार ते बच्चों की पंथ प्रति सेवा ये बहुत खुशी देती है। तो मेरा बेटा रमनदीप सिंह थापर जिन्हें मैं ते 50 साल तो बाद श्रोमणी अकाली दल की सेवा की है अलग अलग अहदों ते रहा, लेकिन मेरा बेटा आज इस मैदान में श्रोमणी अकाली दल की सेवा करना शुरू कर रहा है। तो मनजीत सिंह जी के ने इन्हों चीफ एडवाइजर पोलिटिकल अफेयर्स बनाया, तो मैं इस गल का मनजीत सिंह जी के नू ते खास तौर पर सर सुखबीर सिंह बादल जेले पार्टी के प्रधान ने उन्हों का धन्यवाद करता। इन्नी पब्लिक जेड़ी संगत आई है इदे पिछे मेरा कोई योगदान नहीं, ये मेरे बच्चे ने आप ही मेहनत करके इतने धन्यवाद वास्ते इतने आए ने दिल्ली कमेटी के प्रधान नू मिलन वास्ते। तो उन्हें प्रधान साहब ने भी इतने आके अपनी राय रखी है ते बच्चे नू आशीर्वाद दिता है। तो इतने साड़ियाँ वैस दिल्ली दियाँ बहुत सिंह सभावां अते नौजवान जिन्हें ने वो बात तो बात आए ने उन्हें सारे ने मनजीत सिंह जी के दा धन्यवाद किया। अज बहुत ही खुशी का दिन है जहाँ रमनदीप सिंह थापर नू प्रधान साहब ने अपना एडवाइजर बनाया है, उस लई असी सारे इत्थे बहुत वड्डी संगत विच इकट्ठ लैके इत्थे पहुंचे हाँ, तो असी प्रधान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों बीते दिन दिल्ली के हरिनगर इलाके में अवतार सिंह हिता ते बीबी रंजीत कौर की अगवाई में वड्डी गिनती औरतां इस्त्री अकाली दल में शामिल होईयां। इस मौके दिल्ली कमेटी प्रधान सरदार मनजीत सिंह जीके ने समागम में संबोधन करते हुए कहा कि अकाली दल हमेशा लोग सेवा करने लिए तत्पर है। इस मौके उन्होंने अकाली दल वालों दिल्ली में किए गए कामों ते एसओआई बारे जानकारी भी दी। साबका कमेटी प्रधान अवतार सिंह हित अते बीबी रंजीत कौर की अगवाई विच दिल्ली दे हरिनगर इलाके विच तकरीबन 100 औरतां ने इस्त्री अकाली दल विंग ज्वाइन किया। इस मौके दिल्ली कमेटी दे प्रधान मनजीत सिंह जीके ने समागम नू संबोधन करदिया शामिल होने वाली बीबियां दा स्वागत किया। उन्हां कहा कि अकाली दल हमेशा लोक सेवा करन लई तत्पर है। जीके मुताबिक दिल्ली विच अकाली दल विच इस्त्रियां दी शमूलियत एक चंगा संकेत है। इस मौके उन्हें अकाली दल वालों दिल्ली विच कीते गए कम्मां अते एसओआई बारे जानकारी दी। मैं समझदा कि अकाली दल दियां जो वादे बादल साहब ने कीते सीगे दिल्ली दी संगत नाल दिल्ली कमेटी और सारी अकाली दल दी टीम कामयाब होई है काम करन दे विच, और असी लोकां दे विच जाके अपनी रिपोर्ट कार्ड लैके जा रहे हैं कि जो असी आख्या सी असी तुहाडे सामने काम करदे पए हां और लोकां तों बहुत वड्डा हुंगारा मिल रहा। मैं समझदा वां कि जे संगत का आशीर्वाद एवें रवे और गुरु मेहरबान रवे तो यह जिदा काम दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी करती पई है जेडे रेंदे काम ने वो भी बड़ी छेती पूरे होंगे। एसओआई की जित पिछे साडा जिहड़ा सरकार तो फैसला जिहड़ा पिछली 15 साल कमेटी नहीं करा सकी मिनोरिटी स्टेटस नहीं लै सकी, असी सरकार तो उस वेले मिनोरिटी स्टेटस लै लिया जो बीजेपी की सरकार रही, जिस वेले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मिनोरिटी स्टेटस कैंसल हो रहा असी दिल्ली अपने कॉलेजों का लिया। मैं समझदा बहुत वड्डी जित है अकाली दल की, और अगे साडे कॉलेजां दे विच 20% सिख बच्चे होंदे सी अज 60% सिख बच्चे ने, सो इस करके एसओआई दा अगला भविख बहुत वधिया दिल्ली च बहुत शानदार। मैं समझदा कि जिहड़ी अज दी जॉइनिंग आ इह इक जिहड़े छोटे मैसेज दे उत्ते एडी वड्डी गिणती विच बीबियां दा इकट्ठे होणा उत्साह दे नाल अपने कम्म घरां दे कम्मां नूं छड्ड के, बहुत मैं तो इस गल तों बड़ा हैरान हाँ और मैं बड़ा खुश हाँ इस गल दे उत्ते कि बीबियां ने अपना दर्द दिखाया अपना प्यार दिखाया पार्टी प्रति कौम प्रति धर्म प्रति कि एक मैसेज उत्ते इहदियां इकट्ठियां हो गई और ये इस तरह जिदा अज छौकड़ां इकट्ठियां हुई इन सारिया उहदे भी दित्ते गए इन्हां नूं मैंबर भी बनाया गया अकाली दल का और इन्हां सारिआं नूं चिट्ठियां लैटर दिता गया और इन्हां ने वादा भी किया कि असीं पूरी तनदेही दे नाल पार्टी का काम करांगे पार्टी नूं अगे खड़ा करन वास्ते ताकत देण वास्ते जी रात दिन मेहनत करदा रहा प्रण लिया सारिआं ने और ये आने वाली 22 तरीक की रैली के
बहुत वड्डा हिस्सा बन के इलाका सारा विश्व जो इकट्ठा करके उत्थे असी जावांगे ता कि लोगों नूं पता लग सके कि दिल्ली की जिहड़ी शक्ति आ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੰਥ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਤਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 60% 65% ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੁਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸ ਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਤਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਣ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਧੁੰਮਾ ਵਿਖੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਈ ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
शायद किते ना किते आपां नूं अफसोस होएगा। अज असी जिस स्थान ते जिन्हां बजुर्गों वास्ते आए हाँ, अपने जीवन दे विच उन्हां ने गुरु दे राह ते दसदे होए, गुरु दे राह ते चलदे होए किरत कीती, नाम जपया, वंड छकिया, समाज की कौम की सेवा दे विच समर्पित होए, और उहदा कारण है कि अज जथेदार हरनाम सिंह खालसा जी अज उस दमदमी टकसाल के मुखी ने जिस टकसाल का पिछोकड़ मैं समझदा गुरुआं दे समें तो एक इतिहास उन्होंने रचिया। इत्थे कई मेरे तो पहले बोलण वालिआं ने जिक्र कीता इल्जामबाजियां दा, किंतु परंतु दा। एक गल समझ लईए कि जे आपां करना ही कुछ नहीं तो इल्जाम भी नहीं लगने, तो जे आपां करना तो इंसान हाँ, तो जे पांच काम करांगे एक गलत भी हो सकता, चार चंगे भी होणगे, लेकिन जिहड़ा काम करता होवे उहदी भावना देखण दी लोड़ है। उहदी भावना की सी उस काम करन लग्या? संत जरनैल सिंह खालसा जी बारे बड़े किंतु परंतु लोग करते हैं, लेकिन ता पता लगता कि जे तोपा दे अगे आप खड़ के तुसी कोई किंतु परंतु करो, घर च एयर कंडीशन च बह के किसी एजेंसियां दे कोलो पैकेट फड़ के जो तुसी किंतु परंतु करते हो तो संगतां दे सामने भी सारी गल आती है। मैनू याद है दिल्ली दे विच बहुत वड्डी लड़ाई 1978 च निरंकारी मूवमेंट की हुई, किवें श्री अमृतसर साहब गोली चली सी 13 अप्रैल नू, किवें सिंह शहीद होए सन, और वो लड़ाई कानपुर पहुंची और अखीर दिल्ली 5 नवंबर 1978 जदों यह जद्दोजहद पहुंची तो उस वेले का प्रधानमंत्री मुरारजी डिसाई उन्होंने इजाजत दे दिती इंडिया गेट के मैदान के निरंकारियों को समागम करन दी। मेरे पिता जथेदार संतोख सिंह तार सिंह कोहली जेड़े उस वेले दे दिल्ली के सिखां नूं रिप्रजेंट करते सी, जदों प्रधानमंत्री मुरारजी डिसाई नूं मिलण गए तो बड़ा छाती ठोक के उन्होंने जवाब दिता कि मेरा दिल किया, मैंने इनको यहां पे जगह दी है और बिल्कुल इनके समागम यहां होंगे। पूछा गया उन्हें कि 500 साल गुरु नानक पातशाह का दिल्ली 1969 च मनाया गया, 300 साल नवे पातशाह की शहादत दिल्ली च मनाई गई 1975 च, उदों कभी इंडिया गेट का मैदान नहीं दिता गया, लेकिन यह था दे के तू साडे जख्मां ते नमक छिड़क रहा, और उसका रिजल्ट रहा जब गोली चली दिल्ली दे अकाली दल दे मुखी जथेदार अवतार सिंह कोहली शहीद होए, दो नौजवान गोबिंद सिंह ते मनिंदर सिंह गोली नाल शहीद होए 5 नवंबर 1978 नू। एक लंबी लड़ाई दिल्ली की संगत ने लड़ी, और तुहाडे सामने नतीजा कि किस तरीके नाल यह लड़ाई का रुख कितों की कितें पहुंचया। मैं सिर्फ एक गल इशारा देना चाहना वा, असी पंजाबों बाहर बैठे हाँ, पंजाब दे विच तुहाडी स्थिति होर है, पंजाबों बाहर बैठे सिख की स्थिति होर है, लेकिन असी तां तकड़े हाँ जदों साडे कोल पिछे पंथ की ताकत है, श्रोमणी अकाली दल की ताकत है, संत समाज की ताकत है, निहंग सिंह जथेबंदियों की ताकत है, तखत साहबानों की ताकत साढ़े पिछे खड़ी है, तो असं भी उस शहर के बैठ के लड़ते हैं जिथे 5000 सिखा के गल च टायर पा के साड़े सके। असी चढ़ती कला के नाल 32 साल लड़ाई रुकन नहीं दिती। इत्थे जिक्र होया कि ब्लू स्टार का जून 1984 का घल्लूघारे का जिहड़ा यादगार श्री हरिमंदर साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बाबा हरनाम सिंह होरां नूं दमदमी टकसाल नूं उहदी सेवा सौंपी सी,
और वो बन के कंप्लीट हुई है। असी दिल्ली दे विच किड़े साल सरकार रही कांग्रेस की, असी दो गज जमीन मंगते रहे कि दिल्ली दे विच 5000 सिख मरिया, हिंदुस्तान च 12000 सिख मरिया नवंबर 1984 चिंदरा के कतल तो बाद, सानू भी दो गज जमीन दिती जावे। एक पार्क का नाम रखना चाहिया, उतों की कारपोरेशन उहदे कोल परमिशन लैके, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने एक दिन पहले वो प्रोग्राम कैंसल कर दिता। शीला दीक्षित ने चिट्ठी कट के यह नहीं हो सकता, तीन यादगारा इंदिरा गांधी जी हो सकती है दिल्ली शहर, लेकिन वह 5000 सिंह जिन्हों का कसूर कोई नहीं, और 12000 सिंह हिंदुस्तान च जिन्हें अपने घरों निकले से दिहाड़ी लाने लिए, अपने बच्चों की रोटी कमाने लिए, कोई सरहद से फौजी जा रहा सी ड्यूटी देने लिए, ट्रेना चो बसा चो गड्डिया चो ला ला के साड़ के मारे गए, उन्हां वास्ते कोई स्थान नहीं। जो अकाली दल नूं सेवा दिल्ली की संगत ने दिती 2013 च, वादा सी बादल साहब का कि दिल्ली के विच यादगार बनावांगे, और उस वेले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार सी सेंटर च, और स्टेट के विच शीला दीक्षित की सरकार सी, और असी 2013 च फैसला किया कि असी ये यादगार जिहड़ी है उस जगह बनानी है जिथे सरकार नूं सब तो ज्यादा तकलीफ होवे। नवंबर 1984 की यादगार का नींह पत्थर गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पार्लीमेंट के सामने रखा गया, और उस वेले NDMC दे राही कोर्ट दे राही सरकार वालों और सब तो पहले राही दिल्ली कमेटी के प्रधानों वालों बड़े मुकदमे पाए गए, लेकिन तुहाडे सामने वह नींह पत्थर रखा गया। उत्थे वह सारी शुरू हुई जिथे सारिया पंथक जथेबंदियां सिंह सभान तख्तां दे ये सारिया ने हाजरियां भरिया सी। और हुणे भी दस दईए आ 1 नवंबर जिहड़ी असी नवंबर 1984 दे कतलेआम दी घल्लूघारे दी यादगार मनाने आ, इस साल 1 नवंबर नूं ओह यादगार बन के तैयार होएगी जिथे सारा पंथ रल के उन्हां शहीदां नूं नतमस्तक होएगा जिन्हां दा कसूर कोई नहीं सीगा, उन्हां दे गल च टायर पा के साड़िया गया, माइयां बीबियां दी इज्जत पत रोली गई। ये तां कीता दिल्ली च बह के उस वेले जदों ओह सरकार सी जिन्हें हजारा सिख मारे और 32 साल सानू इंसाफ नहीं लैन दिता। खालसा जी, ये जदों इल्जामबाजियां लगदियां ना इन्हां पिछे बड़िया साशां हुंदियां ने, इस साशां नूं समझण दी लोड़ है। 6वें पातशाह ने अकाल तख्त साहब बख्शिया, और इत्थे चालां चल पईआं कि अकाल तख्त साहब दीआं मर्यादा नूं टाटेरी कर दित्तियां जाण। अज ऐसिया साशा चल चुकिया कि दसम गुरु दिया बाणियां जिहड़ियां प्रमाणित ने उन्हां दे खिलाफ एक जहाद शुरू हो गया। मैं समझदा अज इत्थे कौम दे हरेक पक्षों, धार्मिक पक्षों, सियासी पक्षों, समाजिक पक्षों, सारे इत्थे हाजरियां भर रहे ने। अज लोड़ है संगत नूं इन्हां साशां दा खुलासा करन दा और दसण दा कि किसी के बहकावे आ के ऐसा काम ना कर दईए कि जिहड़ा पंथ कदी उहदा देना ना दे सके और बहुत वड्डा नुकसान कर दईए। मैं समझदा कि दिल्ली दे विच पिछले दिन ही तुसीं देखिआ कि सीसगंज साहब दे सामने जिहड़ा प्याऊ सीगा उसनूं ढाण की कोशिश की दिल्ली सरकार ने बुलडोजर चला के, और असी वह प्याऊ वापस बनाया। जदों असी फोन किया बाबा हरनाम सिंह होरां नूं, जथेदार बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी नूं कि ये दिल्ली च समा बहुत माड़ा आ गया, जे सरकार का वस चलिया तो सीसगंज साहब के उत्ते बुलडोजर चल जाएंगे। भाई मतीदास चौक जिथे गुरु तेग बहादुर तो पहले भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी को शहीद किया गया सी, चौक नूं ढाण की साजिश हो गई है। इन्हां ने मिंट नहीं लाया, उस वेले इतों फौजा तोड़ दित्तियां, और जिवें असी 10-15 दिन सरकार का मूँह भनिया, पुलिस का मूँह भनिया, दिल्ली सरकार दी साशा सी खत्म कीतियां, अज तुहाडे सामने वो सारा कुछ बरकरार है। असी बार वसदे सिख बेनती करते हाँ कि जो तुसी तकड़े हो, तुसी एक मुठ हो, तो असी बार किसे तरीके पिठ नहीं लखण देंगे गुरु के सिखा की, हमेशा चढ़ती कला ना रहे हाँ, चढ़ती कला ना रवांगे। सो इस करके प्रबंधक कमेटी वालों मेरे नाल आए साग कुलवंत सिंह जी बाठ और होर मैंबर साहबान, उन्हां वल्लों श्रद्धा दे फुल पेट करदा
गुरु अगे अरदास करदा कि सच्चे पातशाह जीवन च विचरदिया जाने अनजाने कोई भुला हो जांदियां ने पर तुसी बख्शनहार हो गुरु महाराज बख्शन अपने चरणा च नवाज बख्शन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल। इस मौके उन्हां तो इलावा पंजाब दे कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया सिख्या मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जथेदार अवतार सिंह प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर अदारा चढ़दी कला दे चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी अते कई धार्मिक जथेबंदियां वलों समागम विच शमूलियत कीती गई। दास जुगो जुग अटल गरीब नवाज सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा रोम रोम स्वास स्वास करके शुकराना करदा जिन्हां दी बख्शिश जिन्हां दी कृपा नाल दास दे पिता जी दे जो उन्हां दियां जीवन दियां कालना जो उन्होंने कमाईयां कीतियां मैं इस गल तो बहुत प्रभावित होया हाँ कि महापुरख संत बाबा बलजिंदर सिंह साहब जी मुखी संप्रदाय राड़ा साहिब जो उन्होंने वचन किए है वो हूबहू बिल्कुल सच्चाई है। जे ऐसा पिता इसी माता अवतार कौर वर्गी ना मिलती तो मेरे वर्गा नचीज अज गलियां दा कख बन के इस धरती ते रुलदा हुंदा। उस पिता उस माता दी देन है जिस पिता माता ने मैनू महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी दे चरणा दी शो विच मस्तक नूं लाउण दा सुभाग बख्शिया। संगत जी संसार अंदर मनुख दियां बहुत वड्डियां इच्छावां हुंदियां हन पर मैं समझदा उस पिता ने अपने जीवन विच पंजां ककारां दी रहत रख के गुरबाणी अते नाम दी कमाई करके तमाम इच्छावां तों मुक्ति प्राप्त कीती और एक साल पहला मैनूं कहण लगे कहिंदे मेरा अंतम संस्कार धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरणां च पतालपुरी साहिब करी जेकर हो सकिया होर किते मैनूं लै के ना जाई। मैं बेनती कीती पिता जी ये इच्छा पूरी तां सतगुरु ने करनी है मेरे बस विच नहीं क्योंकि मेरे विच समर्था नहीं मैं तुहाडा वचन निभा सकां। तुसी असीस दिओ अरदास करिओ कि ये तुहाडा वचन पूरा हो जाए और सतगुरु जी ने कृपा की उन्हां नूं धन गुरु हरगोबिंद साहब धन गुरु हरराज साहब जी ने अपने चरणों च थां बख्शी जिथे उन्हां दा अंतम संस्कार किसी विरले वड्डियां भागां वाली रूह नूं प्राप्त हो सकदा। सो सात संगत जी अज उन्हां दा दुसहरा उन्हां दी तपस्या उन्हां दी करनी नूं मैं वेख के मन विच प्रभावित हो रहा सी कि सिख पंथ दियां किन्नियां नाम जपण वालियां पवित्र आत्मावां महापुरख नाम रसीए गुरसिख कौम दे शहीद परिवार रब वर्गियां संगतां संगत जी ये इलाका नहीं जिहड़ी संगत दे अज मैनूं इत्थे दर्शन हो रहे हैं कोई फिरोजपुर तों संगत आई है कोई श्री अमृतसर साहब तो कोई मैते दे इलाके विचों जिथे दमदमी टकसाल दा केंद्र है बंबे तक दी संगत पंजाब दे कोने कोने दी संगत और वो संगत जिहड़ी नाम जपण वाली संगत गुरसिखी नूं कमाउण वाली संगत उन्हां दी याद विच पंजाब दे कोने कोने विचों आ के जुड़ी है और साध संगत जी ये पिंड भी वड्डियां भागां वाला बन गया उस पिता की बदौलत कि इस नगर विच एडे एडे महापुरख आए पंजां तख्तां दे सिंह साहिबान और सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे हैड ग्रंथी साहब धन श्री गुरु रामदास साहब जी दे दरदे प्रीतमान महापुरख सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी जिन्हां ने हत्थी उन्हां दा
सारे संस्कार की रस्म निभाई, दशहरे की रस्म आप निभा रहे हैं। सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे अरदासीए सत्कार जो ज्ञानी गुरचरण सिंह जी वह भी बैठे हैं जिन्होंने अंतम अरदास करनी है। श्री हरिमंदर साहब जी दे रागी जथे, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे रागी जथे, कहण तो पंथ दियाँ बहुत वड्डियां हस्तियां अज इत्थे पुज्जियां हन। मैं रोम रोम करके आप जी का ऋणी हाँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं तुहाडा धन्नवाद कर सकां, धन्नवाद मेरी करन दी औकात ही नहीं। मैं तुहाडा महापुरखां दा, आई गुरु की संगत दा, आए कौम दे शहीद परिवारां दा, मैं रोम रोम करके ऋणी हाँ। तुहाडे चरणां दी धूड़ दे एक एक किणके नूं मेरा मस्तक लखां वेरी अणगिणत वेरी झुकदा, तुहाडे चरणां दी धूड़ नूं मेरा मस्तक लगदा है, जिन्हां ने तुसीं इस नाचीज़ नूं अज इत्थे आ के नवाजिया, मेरी पत ढकी है। सो संगत जी, मैं तुहाडा देन नहीं कदे भी दे सकदा। मैं सारे मीडिया वाले वीरां दा भी, अखंड पाठी सिंघां दा, जथे दे सिंघां ने, कथावाचक सिंघां ने, रागी सिंघां ने, साध संग जी गुरसिखां नालों वड्डा कोई नाता रिश्ता नहीं संसार विच। दुनियावी नाते रिश्ते इत्थे तक ही रह जांदे, अध विचकार ही टुट जांदे है, पर गुरसिखां दा रिश्ता दुनिया दे विच जुगो जुग तुर वाहिगुरू की दरगाह तक निभदा। जिन्हां ने सारियां सेवावां निभाईयां, लंगर की सेवा बनाउण दी, वरताउण दी, तिन्नां दिनां तों जोड़ियां दी सेवा, और मैं उन्हां सिंघां दा भी रोम रोम करके सदा ऋणी हाँ। ते जिन्हां सिंघां ने उन्हां बजुर्गां दी बहुत वड्डी श्रद्धा नाल, बड़ी लगन नाल सेवा कीती, ऐसी सेवा करनी बड़ी कठिन सी। संगत जी, सत्कारयोग बाबा जीवा सिंह जी जो बापू जी दे धर्म सपुत्र हन, भाई गुरजिंदर सिंह जी पप्पू, भाई दलीप सिंह जी, भाई पिपल सिंह जी, इन्हां सिंघां ने रात दिन उन्हां दी सेवा विच रात नूं भी दिने भी हमेशा ही तत्पर रहे, और उन्हां दे जीवन दा इक्को गुण मैं अज तक देखिया, भावें वो अमृत वेले एक बजे इत्थे नगर विच उठ के उन्होंने इशनान करना, पंज बजे तक नितनेम करके सतगुरु जी दे दर्शन परिक्रमा करके हुक्मनामा सुन के फिर किसी पासे जाया करदे, फिर मूल मंत्र गुरमंत्र दा अभ्यास। उन्होंने किसी नूं अपने नितनेम तक दा अज तक ना ही पता लगन दिता, और ना ही किसी नूं उन्होंने जानकारी दिती, ते ना ही कदे किसी नूं महसूस ही नहीं होण दिता सी कि असी भी नहीं पता कर सके कि किन्ना क नितनेम करदे सन। सो इन्हां सिंघां नूं मैं सिंह साहब यानी जगतार सिंह जी नूं बेनती करांगा, सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा, जिन्हां ने सारे कार्ज विच अगे हो के जिहड़ा अज साध संगत जी इस नगर नूं उन्हां दी याद विच वड्डे वड्डे अदारे मिले है। मैं श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल दा भी धन्नवाद करदा कि उन्होंने पिता जी दे नां ते तकनीकी कॉलेज भी और हैल्थ सेंटर भी और इस नगर दे विच सड़क दा नाम भी, नगर नूं बेअंत ग्रांटां भी दित्तियां हन। सो दोस्तों, अज असीं देखिया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित कीर्तन दरबार सैनिक विहार गुरुद्वारा श्री सिंह सभा विखे करवाया गया। नाल ही असीं वेख्या दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधीन चलाए जा रहे विद्यक अदारा गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल फतेहनगर विखे बाबा बंदा सिंह बहादुर एक्टिविटी ब्लाक का उद्घाटन समारोह करवाया गया। अज के प्रोग्राम में चेन्नई प्रोग्राम गूंजा सिख फिरसे का लैके फिर आप जी की सेवा छाज रहोंगे। तद तक लिए मैं दियो इजाजत। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। गूंजा सिख विरसे दिया।